नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं HDFC बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहो, पूरे डिटेल के साथ हम इस अकाउंट के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों HDFC बैंक का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो BSBDA अकाउंट है, जो कि सभी बैंकों में आपको BSBDA अकाउंट देखने को मिल जाएगा। और आप चाहो तो जीरो बैलेंस में PSBDA अकाउंट खोल सकते हो, क्योंकि यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं। BSBDA कहने का मतलब है कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। हम आपको बता दें कि सभी बैंक में यह BSBDA अकाउंट उपलब्ध है, लेकिन ऑनलाइन खोलने की सुविधा सभी बैंकों के तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन HDFC बैंक के तरफ से यह जीरो बैलेंस अकाउंट BSBDA अकाउंट ऑनलाइन खोलने का सुविधा दिया गया है, जिसे आप ऑनलाइन तुरंत से खोल सकते हैं। इसके लिए आपको लगेगा पैन नंबर, आधार नंबर और आपका एक फोटो होना चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को ऑनलाइन खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड के साथ कोई ना कोई मोबाइल नंबर जरूर लिंक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर लिंक है तभी उस पर आधार वेरिफिकेशन वन टाइम पासवर्ड यानी OTP भेजा जाएगा, तभी आप इस अकाउंट को खोल सकोगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि HDFC बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस हमने नहीं बताया है अभी तक। सबसे पहले आप लोग इसके लिमिट के बारे में जान लो, इसके फीचर्स के बारे में जान लो, क्या फायदा है क्या नुकसान है इसके बारे में आप लोग जान लो। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताना, मैं अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस भी बता दूंगा। देखिए यहां पर मैं बता दूं कि आप तो अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर ही सकते हो अपने पैन नंबर और आधार नंबर से। तो यहां पर जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपका अकाउंट जो है इंस्टेंट में ओपन होता है और इंस्टेंट में एक्टिवेट भी हो जाता है। यहां पर जब अकाउंट ओपन होता है तो आपको कस्टमर आईडी मिलता है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। अगर इस अकाउंट के डेबिट कार्ड के बारे में दोस्तों बात करें तो आपको इस अकाउंट में एक फ्री रुपए डेबिट कार्ड मिल जाता है। अगर हम पासबुक के बारे में बात करें तो आप ब्रांच जाकर इसमें फ्री पासबुक जो मिलता है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रांच जाओगे वहां पर पासबुक के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे तो बिल्कुल मुफ्त में आपको पासबुक भी मिल जाएगा। अगर चेकबुक के बारे में दोस्तों बात करें तो इस अकाउंट में आपको चेकबुक भी मिल जाएगा, जो कि यहां पर 25 स्लिप्स पर ईयर के अनुसार से बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यहीं पर इस अकाउंट से मनी ट्रांसफर के बारे में बात करें तो आप फ्री में मनी ट्रांसफर कर सकते हो, जिसमें IMPS, NEFT, RTGS वगैरह आप लोग कर सकते हो। सबसे बड़ा चीज आता है कि इस अकाउंट में जो है किस तरह के लिमिट दिया गया है। हम आपको बता दें किसी भी बैंक का BSBDA अकाउंट हो उसमें जो है लिमिट आता है, और लिमिट ये होता है कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50,000 रुपया से ज्यादा आपने अकाउंट पर नहीं रख सकते हैं। आप जो है मैक्सिमम अपने अकाउंट पर जो है 50,000 रुपया रख सकते हैं। अगर हम ईयरली लिमिट के बारे में बात करें, फाइनेंशियल ईयर की लिमिट के बारे में बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 रुपया से ज्यादा आप डिपॉजिट या फिर जो है आप विड्रॉ वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट 1,00,000 रुपया है इस अकाउंट का। और अगर एनी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करें तो 50,000 रुपया से ज्यादा आप लोग नहीं रख सकते हैं। अगर हम विड्रोवल के बारे में दोस्तों बात करें तो पर मंथ की विड्रोवल एक लिमिट दिया गया है, जहां पर मैक्सिमम 4 टाइम ही पर मंथ आप विड्रो लगा सकते हो। चाहे आप ATM से अपना कैश निकालो, या फिर ब्रांच से जाकर विड्रो लगाओ, या फिर आप मनी ट्रांसफर करते हो, या फिर मान के चलो चेकबुक वगैरह से विड्रो लगाते हो, तो मैक्सिमम जो विड्रोवल लिमिट इस अकाउंट में मिलेगा वो 4 टाइम ही मिलेगा पर मंथ, जो कि बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके बाद अगर जैसे ही उसी मंथ में आप 5वां ट्रांजेक्शन करोगे, वैसे ही 150 रुपया पर ट्रांजेक्शन प्लस GST चार्ज जो है लगा दिया जाएगा। तो फ्री वाला लिमिट आपको 4 मिलता है पर मंथ के अनुसार से। अगर मैक्सिमम विड्रोवल के बारे में दोस्तों बात करें तो मैक्सिमम जो है पर मंथ के अनुसार से 10,000 रुपया का विड्रोवल ही लगा सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा लगाते हो तो उस पर भी चार्ज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर HDFC बैंक की तरफ से चार्जेस वगैरह भी मेंशन किया गया है। लेकिन इस वीडियो में अगर आप बताने लगे एक एक चार्ज के बारे में तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप चार्जेस के बारे में जान सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं इसके बाद आपको फुल KYC करवाने का जरूरत होता है या फिर नहीं होता है। हम आपको बता दें कि कोई भी ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं आधार OTP से, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको वहां पर ब्रांच विजिट करना होगा, और ब्रांच विजिट करके आपको वहां पर जो है फुल KYC अपने अकाउंट का करवा लेना होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर BSBDA अकाउंट ऑनलाइन आप खोलते हो और उसमें जो है कुछ लिमिट मिलता है, लेकिन जब आप फुल KYC करवाने जाओगे तो यही अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट में बदल दिया जाएगा। और HDFC बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपया मेंटेन करके चलने की जरूरत होगी।
होगा। तो आप जो है इस अकाउंट को एक साल तक जीरो बैलेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर एक साल के बाद भी इस अकाउंट को जारी रखना चाहते हैं तो आप लोगों को ब्रांच विजिट करके फुल KYC करवाना पड़ेगा, और जब आप फुल KYC करवाओगे यह अकाउंट बदल जाएगा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में, और उस समय से आपको जो है 10,000 रुपया मंथली एवरेज बैलेंस के रूप में मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप मेंटेन करके नहीं चलते हो तो इस पर भी लो बैलेंस की चार्जेस जो है लगा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बता दिए हैं पूरी डिटेल के साथ कि आपको BSBDA अकाउंट में किस तरह की फैसिलिटी मिलता है और किस तरह से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये भी मैंने थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया है। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और पूरा प्रोसेस वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके हमें जरूर सूचित करें ताकि यथाशीघ्र मैं इस पर भी वीडियो बना दूं। और जब रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में बदल जाएंगे उसके बाद जो है लिमिट वगैरह हटा दिया जाएगा, जो एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50,000 की लिमिट है या फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 रुपया की लिमिट है, यह जो है लिमिट हटा दिया जाएगा। तो आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।